नमस्कार। हाईटेक खेती हाईटेक किसान के इस नए वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि करपा डिसीज किस तरह से आता है और उसका कंट्रोल हम किस तरह से कर सकते हैं खरबूज की खेती में। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ करपा डिसीज आने के बाद हम इसको कैसे पहचानते हैं। देखिए ये जो पत्ता है इधर से खराब होने का शुरुआत हो चुका है इसका, जो इसको हम करपा डिसीज बोलते हैं। तो इस तरह से अगर आप पत्ते आपको तो काट की तरफ से अगर इसको करपते हुए दिखे तो इसको करपा डिसीज बोलते हैं। इसमें से दो मेन टाइप होते हैं इसके, एक जो रहता है वो सूखा करपा रहता है और एक जो है गीला करपा रहता है। जो कि गीला करपा मतलब वो दिन दोपहर की रोशनी में भी ये सूखता नहीं, ये गीला ही रहता है हाथ लगाने के बाद। तो ये जो है उसके दो मेन टाइप्स है। और उसके बाद में भी आता है कि इसका कंट्रोल किस तरह से करें। तो इसके कंट्रोल के लिए हम मार्केट में बहुत सारे उत्पाद अवेलेबल है, जैसे कि बाविस्टीन है, M45 है, जिसका हम इसके लिए कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ उत्पाद ऐसे भी है कि जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन में आते हैं, बाविस्टीन और M45 के, जैसे कि सांप। और जो और एक रहता है उत्पाद वो सिजेंटा कंपनी का है, रेडोमिल गोल्ड, इसका भी हम इस्तेमाल इसके कंट्रोल के लिए कर सकते हैं। ये जो रहता है ये करपा अर्ली स्टेज में इसको कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही थोड़ी जगह पे प्लॉट में आने के बाद शुरुआत में थोड़ी ही जगह पे दिखता है, ज़्यादातर ज़्यादा जगह पे नहीं दिखता। इसका टाइम टू टाइम कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आगे इसके पत्ते ख़राब करके हमें फिर साइज़ में प्रॉब्लम दे सकता है आगे चल के। माल की साइज़ होना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें फोटोसिंथेसिस के लिए ये पत्तों का ठीक से रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसका कंट्रोल भी करना बहुत ज़रूरी है। इसका स्प्रे हमें लगभग दोपहर 4 बजे से आगे करना चाहिए, जिसमें सांप का जो रहता है प्रमाण इसका 1 लीटर पानी के लिए, इसका केमिकल का जो रहता है वो रहता है 2 ग्राम पर लीटर पानी के लिए, यानी आप लगभग 200 लीटर पानी के लिए 500 ग्राम तक डाल सकते हैं, थोड़ा ढीला माप बोल के। और जो रेडोमिल गोल्ड रहता है उसका भी प्रमाण रहता है 2 ग्राम पर लीटर पानी के लिए, उसका भी आप 500 ग्राम तक डाल सकते हैं 200 लीटर पानी के लिए एक बैलर के लिए। और जो रहता है बाद में बाविस्टीन, बाविस्टीन रहता है वो 1 ग्राम पर लीटर पानी के लिए हिसाब से उसका जो प्रमाण रहता है वो भी आप 250 ग्राम तक डाल सकते हैं 200 लीटर पानी के लिए, मतलब एक बैलर के लिए 250 ग्राम तक आप डाल सकते हैं। और उसके साथ स्टिकर डालना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि स्टिकर के हिसाब से हल्का भार के हिसाब से रहता है उसका जो पर लीटर का जो प्रमाण रहता है वो हल्का भार के हिसाब से कम ज़्यादा रहता है। वो लगभग आधे मिली पर लीटर पानी से 1 ml पर लीटर पानी तक उसका प्रमाण रहता है। तो उसके हिसाब से उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। स्टिकर से जो रहता है, स्टिकर का फ़ायदा ये होता है कि हमें पत्तों में पूरी तरह से कवरेज मिलता है स्प्रे का, यानी अगर आपने स्प्रे किया इधर तक ही, अभी देखिए आपने अगर स्प्रे किया तो इस तरफ अगर स्प्रे पड़ा, अगर इस तरफ की जगह रह चुकी तो स्टिकर धीरे धीरे इसको फैलाता 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 हुआ इस तरफ भी जगह पूरी तरह से कवर करता है, यानी आपके स्प्रे में से कोई पत्ता ठीक से नहीं, पूरी तरह से नहीं छूट जाता। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है स्टिकर का भी। तो फ्रेंड्स, तो किसान भाइयों, हमने आज के वीडियो में देखा कि किस तरह से इस करपा डिसीज का कंट्रोल करते हैं। हम इस यूट्यूब पे नए हैं इसलिए थोड़ी थोड़ी वीडियो में थोड़ी दिक्कतें हैं, इसलिए हमें क्षमा कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। हम भी किसान हैं, हमको ठीक से ये वीडियो इतनी प्रोफेशनल की तरह से वीडियो नहीं बनाने आते, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा दिक्कत आती है। तो वो दिक्कतें भी हम आगे चल के थोड़ी थोड़ी कम करेंगे, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए हमारे लिए, क्योंकि ये किसान भाइयों के लिए है, फ़ायदेमंद के लिए हम ये कुछ हम भी तरफ से योगदान के रूप से कर रहे हैं। तो फिर चलिए किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।